गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस सरिता मित्तल, योर एसएसटी टीचर. स्टूडेंट्स, होप यू आर फिट एंड फाइन. इट इज़ योर फर्स्ट एसएसटी पीरियड. टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 इन सिविक्स, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 30. बच्चों, हमारे देश के सिस्टम के अकॉर्डिंग अवर गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स एज लोकल, स्टेट एंड नेशनल. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे वर्क करती है. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA एंड मिनिस्टर्स. नंबर 2, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. टू आंसर दीज क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हेल्थ के फील्ड में गवर्नमेंट कैसे काम करती है देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू. इसमें दो बच्चे पेपर में पढ़ते हैं कि हमारे राज्य में पानी की कमी हो गई है और लोग बीमार पड़ रहे हैं. सब कुएं, तालाब, नदियाँ सूख गई हैं. लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और शहरों में लोग टैंक मंगाकर काम चला रहे हैं, जबकि गाँव में स्थिति बहुत भयंकर है. वहाँ लोगों को बहुत दूरी से पानी लाना पड़ता है. पातालपुरम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है. वहाँ के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी मिल पा रहा है. साफ पानी ना मिल पाने से वहाँ डायरिया जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं और हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो हैं. बच्चों, हमें बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स इत्यादि नहीं खाने चाहिए और अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए. दोनों बच्चे रास्ते में जाते हुए देखते हैं कि शहर के लोगों ने MLA के घर का घेराव कर रोड ब्लॉक कर दी है, क्योंकि वे लोग शहर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट एक्शन की डिमांड कर रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 31, हु इज़ एन MLA. बच्चों, आपने अलग अलग पोस्ट DM, मेडिकल ऑफिसर इत्यादि के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने MLA और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? हमारे एरिया के MLA कौन हैं, वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, एट्सेट्रा क्वेश्चंस के आपको आज की क्लास में आंसर मिलेंगे. MLA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, इसके लिए आपको बहुत फोकस करके इस टॉपिक को समझना है. यहाँ हम आपको UP की करंट गवर्नमेंट का एग्जांपल देकर समझाते हैं. कम टू पेज नंबर 32. भारत के प्रत्येक राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है. मीन्स स्टेट लेवल पर सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए 2 सदन या हाउसेस बनाए गए हैं. हम अपने यूपी की बात करें तो हमारी कैपिटल लखनऊ में 2 हाउसेस, 1 लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा भी कहते हैं, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद भी कहते हैं. यहाँ हम लेजिस्लेटिव असेंबली को समझेंगे. हमारे इंडिया में प्रत्येक स्टेट को एरिया के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हर स्टेट के पार्ट्स अलग हो सकते हैं. बच्चों, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पर, मीन्स CM बनाने के लिए, तब सारी वोटिंग पूरे स्टेट की एक ही दिन में नहीं होती. वह एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, UP को हमने इलेक्शन के लिए 403 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इन छोटे छोटे एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है. जब इलेक्शन होते हैं, पूरे स्टेट का इलेक्शन एक ही दिन में कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें फेयर इलेक्शन कराने के लिए फोर्सेस, ऑफिसर्स, EVM एट्सेट्रा की ज़रूरत होती है. इसलिए हम अपने यूपी को 4 या 5 राउंड में अलग अलग डेट को इलेक्शन कराते हैं. अब जो छोटे छोटे पार्ट्स अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ हर पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करती है और हम लोग जो भी 18 ईयर्स या अबाउ के होते हैं, एक पर्टिकुलर डे पर वोटिंग करने जाते हैं और अपनी चॉइस की पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते हैं. जब सारे इलेक्शन राउंड पूरे हो जाते हैं, तब फिक्स डेट को काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर होता है. जिस पार्टी का जो भी कैंडिडेट विन करता है, वह लखनऊ में लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है. इसलिए उसको MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है.
क्योंकि हम आम जनता ने उसको उनको वोट करके अपनी पसंद से चुना है, तो हमारे प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करें। इसी तरह यहाँ पेज नंबर 32 पर आपको हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। स्टूडेंट्स, अभी और ध्यान से समझिए, काउंटिंग में जिस पार्टी के भी टोटल सीट्स 403 के हाफ से ओनली 1 प्लस सदस्य हो जाते हैं, वही पार्टी विन करती है। जो पार्टी विन करती है वह अपने लीडर को चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करती है। बाकी MLAs में से जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं उन्हें मिनिस्टर्स बना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे एरिया के श्री कपिल देव जी पहले MLA बने, फिर उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। जो पार्टी विन करती है उसे मेजोरिटी पार्टी मीन्स बहुमत दल, और जो उससे कम वोट वाली पार्टी होती है उसे अपोजिशन मीन्स विपक्ष कहा जाता है। इलेक्शन के बाद उस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। गवर्नर स्टेट के हेड होते हैं और केंद्र सरकार उनको राज्य में अपॉइंट करती है ताकि वे राज्य सरकार से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करा सकें। अब आगे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को अच्छी प्रकार से चलाएं। सबके अपने सेपरेट ऑफिस होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वह प्लेस है जहां पर सभी MLAs, चाहे वह रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के, वे उस जगह मिलते हैं और अलग अलग इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। किन्हीं MLAs पर दोहरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया के MLA भी हैं और मिनिस्टर भी बन गए हैं।